सिवनी आदिवासी हत्याकांड के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही मांग की है कि राम सेना और बजरंग दल को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा एवं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा सिवनी आदिवासी हत्याकांड एवं रीवा में आदिवासियों के घर जलाने पर कार्रवाई न किए जाने के विरोध में सिवनी बंद के साथ ही समूचे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए 6 सूत्री ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि 2 मई की रात्रि में सिवनी जिले के कुरई विकास खंड के ग्राम सिमरिया में घर में सो रहे 2 आदिवासियों धनसाराम इनवाती तथा संपत पट्टी की बजरंग दल और राम सेना के गिरोह के द्वारा लाठियों से पीट पीट कर जगह निहत्या की गई है। सरकार के नुमाइंदे अपराधियों का बचाव कर रहे हैं। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से मिली सूचना के अनुसार धनसा और संपत को पुलिस हिरासत में भी दोनों संगठनों तथा पुलिस वालों ने मिलकर मारा है, जिसका नतीजा उनकी मौत में निकला। इस तरह की वारदातों से मध्य प्रदेश में कानून राज की अनुपस्थिति का स्पष्ट संकेत मिलता है। इतनी बर्बरतापूर्ण घटना के बाद प्रदेश के गृह मंत्री का बयान अत्यंत निराशाजनक है। उन्होंने एक तरह से इस हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश की है और इस तरह की विवेचना तथा न्याय प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को भी एक संकेत दिया है। SKM रीवा ने बर्बर और जघन्य हत्याकांड की भर्त्सना करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर रीवा को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि हत्याकांड में लिप्त सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर विशेष न्यायालय गठित कर उसमें अनवरत सुनवाई करके उन्हें अधिकतम संभावित दंड दिया जाए। इस तरह का उन्मादी वातावरण बनाने के जिम्मेदार सभी तत्वों और संगठनों की शिनाख्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं दोनों मृतक परिवारों को 1 करोड़ रुपयों की सहायता राशि प्रदान की जाए। मृतक के परिवार के 1-1 सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाए। इसके साथ ही गुंडों के हमले और बीच बचाव में घायल हुए घटना के मुख्य गवाह ब्रजेश और मृतक के परिजनों की सुरक्षा मुहैया भी कराई जाए। बजरंग दल और राम सेना नाम के संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया जाए और रीवा में पनवार थाना क्षेत्र के ग्राम छपरिया में आदिवासियों के घर जलाने और इसके पुलिस के द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने की भी निंदा करते हुए उन्होंने 1 लाख रुपए मुआवजा दिलाकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कानून के बल पर यह सरकार चलानी होगी, चलानी होगी, चलानी होगी। मजहब के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हत्या लूट के बल पर श्री राम सेना और बजरंग दल के लोगों ने उसमें स्पष्ट हो चुका है, 10-12 लोग नामजद हो गए हैं और वो उन्हीं के मेंबर हैं, तो उनको जो है इन संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए और तत्काल जो पीड़ित परिजन हैं, जो मृतक परिजन हैं, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि और इसी तरह जवा के पनवार क्षेत्र के कटरिया गांव में वहां भी आदिवासियों के घर जलाए गए हैं, लेकिन लिखा है वो छठवां मांग पत्र है हमारा और उस पर अभी भी आरोपी नामजद किए गए हैं। लोगों ने शिकायत किया है नामजद, लेकिन अभी सब उनकी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है संयुक्त किसान मोर्चा जो है श्री राम सेना और जो बजरंग दल है उसको आतंकी संगठन घोषित करने की मांग कर रहा है और तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी हो और जो मृतक के परिजन हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और दूसरा मामला है हमारे रीवा जिले से जुड़ा जो पनवार थाना क्षेत्र के छपरिया गाँव का मामला है। वहाँ सरहंगों ने आदिवासियों के घर जला दिए और आदिवासियों ने नामजद FIR किया। अभी तक उनके खिलाफ FIR पनवार थाना की पुलिस कायम नहीं की और ना ही कोई कार्रवाई हुई, ना ही गिरफ्तारी हुई। तो इसको लेकर हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। आज सिवनी में बंद का आयोजन है और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा आंदोलन करेंगे। ये हम सरकार को चेतावनी देते हैं। आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने का काम किया है।